नमस्कार भाऊनो, कसं काय तरुण काय म्हणते तब्येत? मी तुमचा कोल्हापूरचा छोट्या. आजचा पार्ट आहे की नाही, दोन नंबरचा पार्ट आहे काय? तसं बघायला गेलं तर तीन नंबरचा जातोय. खरं मागल्या व्हिडिओ मध्ये मी पार्ट काय असं टाकलं नव्हतं. आता का नाही, मुंबईत सायन्स पार्कच म्हणतात की एवढं काय मी पण कन्फर्म नाही, खरं असंच म्हणतात काहीतरी. तिथं आम्ही आलोय. आणि तिथं गेलो की पहिला आम्हाला सायन्स सेंटरला गेले मूवी म्हणण्यापेक्षा की सायन्स काहीतरी होतं. आम्हाला पण आता उत्सुकता होती, तर काय विषय आहे तो आम्हाला माहित नव्हता. दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल नीचे एक महाद्वीप है जो पिछले 45 लाख सालों से स्वयं ही विकसित हो रहा है और इसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में छिपे हैं दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य. श्रवण एक बांधा लागते. विषम जलवायु एवं बीहड़ इलाके के कारण आधुनिक दुनिया इससे दूर है. लाखों वर्षों तक बाढ़ बलुआ पत्थर की घाटियों को करती रही है. डिस्कवरी ला लगते ही प्रथम डिस्कवरी ला लगते ही पश्चिम की ओर फैले किम्बरले के लंबे वीरान समुद्री किनारे जहां 1000 से अधिक जन्महीन समुद्र तट हैं, लेकिन इनमें तैराकी करना बुद्धिमानी नहीं होगी. और पृथ्वी के सबसे प्राचीन वर्षा वन जो उष्णकटिबंधीय पौधों तथा डायनासोर के युग के पशुओं का घर है. उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का एकाकी भूभर्गीय अतीत एवं यहाँ के गर्म उमस मौसम ने निर्मित किया एक भूखंड अजीब लेकिन खूबसूरत जीवों से भरा. मैं हूँ टॉमी वेट्स, वो व्यक्ति जो वहाँ चट्टानों पर खड़ा है, और मैं आप सभी को जल कहानियां सुनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के रोचक किस्से. अरे, मैं तो इस जगह के बारे में बताना भूल ही गया जो आज भी इस धरती पर सबसे आक्रामक है. विशालतम शेरसक का घर है, हिंसक और भयानक नरभक्षी डायनासोर. वो डर गए ना? सचमुच के डायनासोर नहीं है, ये है खारे पानी के मगरमच्छ. हम इन्हें बारू कहते हैं. हर साल वर्षा ऋतु की पहली बारिश में इनका प्रजनन होता है. मादा मगरमच्छ तकरीबन 50 अंडे देगी. 2 महीनों के बाद अंडों से जीव निकलेंगे. अंडों के तापमान से पैदा होने वाले जीव के लिंग का निर्धारण होता है. ठंडा तापमान मादाओं को उत्पन्न करेगा जबकि गर्म तापमान के कारण नर पैदा होंगे. ये बसेरा जरा गर्म है इसलिए फूटने वाले अंडों से नर निकलेंगे. मिलिए कैस्पर से, अंडों से ताजा ताजा बाहर आया है और 45 करीबी भाइयों के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है. यदि ये सचमुच भाग्यशाली रहा तो लगभग 100 साल जिएगा और बढ़कर तकरीबन 19 फीट का हो जाएगा. कैस्पर अभी भी नन्हा सा है लेकिन अपने आकार की कमी को वो अपने रवैये से पूरा करता है. छोटे
छोटी मछलियां, मेंढक और कीट बनेंगे इसका भोजन। लेकिन इन्हें पकड़ना इतना आसान भी तो नहीं है। 1, 2, 3 कूदो। शायद अगली बार किस्मत साथ दे जाए। जैसे कि गैस पर शिकार करने में व्यस्त है, कोई दूसरा शिकारी है उसके पीछे। श्वेत उदर वाला समुद्री गरुड़ हर हिलती हुई चीज पर नजर जमाए हुए है। किनारों पर सांप भी घात लगाए बैठे हैं। एक नन्हे मगरमच्छ के लिए जीवन की रक्षा बहुत ही भयानक है। अनुमानित तौर पर 100 में से एक मगरमच्छ ही व्यस्क होने तक जी पाता है। उम्मीद है कैस्पर उन भाग्यशालियों में से एक होगा, ताकि हम उसके पूरे जीवन के रोमांचक सफर को देख सकें। कैस्पर का जन्म हुआ था कैकड़ू में, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ये धरती है प्राचीन संस्कृति की, विराट जल प्रपातों की और विशाल जलीय भूमि की। जीव विज्ञानियों के लिए तो मानो ये स्वर्ग जैसा है। और कैस्पर के काफी ऊपर मेंढक विशेषज्ञ जोड़ी रावली अपने वैज्ञानिक अभियान पर है, जो कैकड़ू की ढलानों में खोजेंगी कि यहाँ और कौन से जीव हैं। ये बीहड़ इलाका है और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ जैविक विविधता को देखने के लिए पहले कभी किसी के कदम नहीं पड़े हैं। इसलिए हम अब भी जान रहे हैं कि नीचे क्या है, और कुछ जगहों तक पहुँचने के लिए एकमात्र साधन है हेलीकॉप्टर। नीचे के इन दर्रों में दलदली क्षेत्र है, जैसा जुरासिक युग में होता था ठीक वैसा। और वहाँ ऐसे प्राणी होंगे जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा है। नई प्रजातियों की खोज में लगी जोड़ी के लिए ये सबसे सही जगह है। चलिए वहां उतरते हैं। रोजो दैट। जोड़ी ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम के लिए काम करती है, और अपने अभियान में वो मेंढकों की सभी प्रजातियों और उनकी सेहत के बारे में खोजे गए आंकड़े इकट्ठा करेंगी, और इन सूचनाओं का उपयोग विश्व भर में मेंढकों को बचाने के लिए किया जाएगा। मैंने जीव विज्ञान में मेंढकों के विषय को इसलिए चुना क्योंकि मुझे इनसे प्यार हो गया, और मुझे समझ में नहीं आता कि आप इनसे प्यार कैसे नहीं कर सकते। इनकी गोल आंखें, पैरों की झिल्लियां, सच में ये कितने नाजुक और कोमल हैं। जोड़ी का मानना है कि अभी भी ऐसे मेंढक हैं जिन्हें खोजा जाना और जानना बाकी है। उन्होंने अपने करियर में 27 नई प्रजातियों को पहले ही खोज निकाला है। बहुत खूब जोड़ी। मेरे पेशे का सबसे रोचक हिस्सा है जब मैं किसी बेनाम नई प्रजाति को ढूंढती हूँ और उनका नाम रखती हूँ। लेकिन इस बियाबान जंगल में आना और यहाँ की चीजों को खोजना उतना ही जरूरी है। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि मेंढकों से भरे ये वन हमेशा ऐसे ही बने रहें। दुनिया के ज्यादातर मेंढक निशाचर होते हैं। इन्हें खोजने के लिए अंधेरा होने के बाद का समय सबसे सही है, इसलिए हेडलैम्प पहन लें या टॉर्च ले लें और मेंढकों की आवाज की दिशा में बढ़कर उन्हें खोजते रहें। लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी हैं। खारे पानी के मगरमच्छ समंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी पाए जा सकते हैं। ये कैस्पर का इलाका है। आज की रात उसे सिर्फ मगरमच्छों से ही सावधान नहीं रहना। जहां भी मेंढक होंगे, वहीं पर होंगे मेंढक के शिकारी।